ओके दिख रहा है आपका स्क्रीन अभी एनाकोंडा। इफ यू आर नॉट इंस्टॉल्ड जुपिटर, एनाकोंडा भी आप इंस्टॉल कर सकते हो पाइथन के बाद, जैसे हमने कल देखा था, राइट? फ्लेवर्स स्टार्ट बताइए। यस, आपको ये ओपन करना है स्क्रीन। ओके दिखना सबको। हाँ, ओपन कीजिए ना सर्च। आपका आवाज जाता है माइक। सुशांत ओपन कीजिए एनाकोंडा। नहीं, डाउनलोड तो हमने कल देखा था ना, कहाँ से डाउनलोड किया है? लेफ्ट। ओके, सुशांत इज लेफ्ट, बट मे बी ही कैन शो इट आफ्टरवर्ड्स। ओके, या ही इज बैक। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके ठीक है सुशांत, आप डायरेक्ट ओपन करके दिखाइए क्या है ना? हेलो सर, स्क्रीन दिसते का? नहीं, अजून लोड होते हैं। वेट वेट वेट, स्क्रीन शेअर करा ना फुल, मगाशी केलं होतं तुम्ही। हां, न्यू विंडो, न्यू विंडो। हाँ, डाउनलोड तो पता है हमें, आप डायरेक्टली जुपिटर नोट को सर्च कीजिए विंडोज में। ओके, डाउनलोड तो पता है। ओके सर, हाँ ये विंडो है, एनाकोंडा। विंडो पूरा एनाकोंडा डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आपका जुपिटर जो रहेगा, ये जुपिटर लॉन्च करना है और ये लैब रहेगा, जुपिटर लैब रहेगा जो कि लाइब्रेरीज के लिए। हाँ, यहाँ पे ये दोनों लॉन्च करना है। जुपिटर भी ओपन कर सकते हो, बहुत सारे सेम। हाँ जुपिटर, जुपिटर लैब। हाँ या दोनों दोनों दोनों। हाँ जुपिटर नोटबुक है, इट्स टेक सम टाइम, और ये पूरा जुपिटर हो जाने के बाद यहाँ पर लिखा है कुछ इस तरह से, जो आपका जुपिटर नोटबुक। न्यू फाइल अगर आप यहाँ पर अपलोड करते हैं तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जहाँ से कोई अपना फाइल रहेगा। आपको फाइल अपलोड भी कर सकते हो, एंड देन यू कैन यूज इनबिल्ट फाइल्स एंड फोल्डर। ये आपके यस सर। कंप्यूटर का ही है फोल्डर? हाँ हाँ देखना पड़ेगा, एनाकोंडा यूज करो डायरेक्टली। समझ में आया सबको? ओके एक्सलेंट, नाउ वी विल स्टार्ट विद, आई विल प्रेजेंट माय स्क्रीन। ओके आई विल स्टॉप। या यू कैन स्टॉप। ओके दिख रहा है मेरा स्क्रीन अभी? सो देखा था, आई विल स्टार्ट विद, आई एम इन दिस फोल्डर DA11, आपके सारे फाइल्स यहाँ पे मैंने स्टोर किया है। ओके और मुझे यहाँ पे जुपिटर नोटबुक खोलना है, तो व्हाट आई कैन डू इज, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है, दिस इज अ पाथ, राइट?
तो यहाँ मैं क्लिक करके सीएमडी टाइप करता हूँ एंड देन आई टाइप जुपिटर नोटबुक. स्पेलिंग मिस्टेक आर नॉट अलाउड, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो रन नहीं होगा. दैट सिंपल, कंप्यूटर का कमांड है ये जुपिटर नोटबुक. इट विल टेक सम टाइम, लोड हो जाएगा. ये लॉन्ग मेथड है डबल क्लिक जुपिटर नोटबुक. ओके Okay. अगर आपने लॉन्च कर दिया तो आपके सर्च बार में जुपिटर टाइप करोगे तो हो जाए. हाँ, वो भी कर सकते हैं आप, डायरेक्टली सर्च में भी आप कर सकते हैं. यहाँ पे भी जुपिटर का आइकन जस्ट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास. ओके, जो आप कर सकते हो. क्लियर, ओपन करना क्लियर हो गया सबको. If I create new file, नया फाइल कैसे क्रिएट करना है? This, new and notebook, okay? Notebook. By the way, what are the drawbacks of Python? आपको एक drawback दिख रहा है अभी सामने आपके. Drawback क्या था अभी Python का? Slow to open और load. Slow है थोड़ा, right? सो वंस यू ओपन द फाइल, ये जुपिटर का इंटरफेस है, जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस है. ओके, क्विकली हम देख लेते हैं क्या क्या है. यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हो, क्लिक कीजिए. देखिए रीनेम अनटाइटल्ड वन डॉट आई पी वाई एन बी, ये क्या है फाइल का फॉर्मेट. फाइल का फॉर्मेट वीडियो के लिए MP4 MP3 रहता है ना, वैसे जुपिटर नोटबुक के लिए IPYNB, ओके, पाइथन नोटबुक है, PY पाइथन, NB इज नोटबुक, ओके, एंड अनटाइटल की जगह आप बोल नेम दे सकते हो डे वन एंड रीनेम. तो ये कहां पे आ गया डे वन अभी? इफ यू सी होम, ऊपर देख सकते हो होम डायरेक्टरी ओपन हुआ है. होम में आप देख सकते हो फाइल ओपन हुआ. ओके, अनटाइटल्ड है, रिफ्रेश नहीं हुआ है अभी. हाँ, ये देखिए डे वन आ गया, ये ऐसे दिखता है और आपके कंप्यूटर में ऐसे दिखता है. देखिए डे वन और इसका फाइल फॉर्मेट है IPYN. और मान लीजिए आपको ये फाइल ओपन करके देखना है तो यहां से डायरेक्टली ओपन होगा क्या? देखिए मास्टर फाइल फॉर क्लास वर्क, ये फाइल ओपन होगा क्या? इफ आई क्लिक ऑन डबल क्लिक, ओपन नहीं होगा. देखिए ऐसे कुछ दिख रहा है. तो जो भी जुपिटर नोटबुक के फाइल है वो आपको जुपिटर नोटबुक थ्रू ही ओपन करना पड़ेगा, डायरेक्टली ओपन नहीं होगा. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक, सबका यही प्रॉब्लम रहता है. जैसे आपने VLC पे डबल क्लिक किया वीडियो वगैरह पे, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, इफ आई डबल क्लिक वो ऑटोमेटिकली ओपन होता है, बट वैसे जुपिटर के केस में नहीं है unfortunately. So, आपको Jupyter Notebook ओपन करना पड़ेगा and then you need to open a specific file. Clear सबको? File का format, file कैसे ओपन करना ये क्लियर है. आपने Google Drive पे देखा होगा तो Google Drive में I already shared all the data. आप वहां पे भी आपको IPYNB मतलब Jupyter Notebook के files है as well as PDF available है. PDF भी है for your simplicity. Hope you are following everything. Okay? Are we clear? Let's start with the Python then. Okay? Python का actual start कर देते हैं. So, क्या क्या cover करने वाले हम? Installation है. Python version clear है. Python क्यों पढ़ना है ये clear है. क्यों पढ़ रहे हैं ये clear है. To handle a large volume of data, clear, or to automation, automate करने के लिए. Version कौन सा है? मैं 3.11, आप 3.12 और whatever. कैसे install करना ये clear है. Jupyter Notebook clear है. IDEs क्या रहते हैं ये clear है. Jupyter Notebook मतलब IDE, Independent Development Environment.
ऐसे बहुत सारे हैं, लेटेस्ट है कर्सर डॉट ए आई करके, जो कोड ऑटोमेटिकली लिखता है। आपको सिर्फ लिखना है राइट अ प्रोग्राम फॉर ऑड नंबर, वो डायरेक्टली प्रोग्राम लिख देता है, बहुत लेटेस्ट है। इतना हमें एडवांस नहीं चाहिए, बट ठीक है। और आपको सिर्फ इफ यू आर इंटरेस्टेड आप गूगल यूट्यूब पे देख सकते हो, कर्सर डॉट ए आई आईडीई है नया। आप प्रोग्राम लो और क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज व्हाई माय कोड इज नॉट रनिंग, वो डायरेक्टली आंसर बता देगा। आंसर छोड़ो, करेक्ट करके देगा वो डायरेक्टली, इट विल ऑटोमेटिकली रन द प्रोग्राम और वो करेक्ट करेगा उसको जो करेक्शन करना है वो। ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, डाउनलोड करना है तो कर भी सकते हो। ओके, इतना एडवांस भी नहीं चाहिए, बेसिक आ चाहिए, राइट? ओके, लिस्ट टपल सेट क्या है वो देखेंगे, सम ऑपरेशंस, कंट्रोल स्टेटमेंट, फंक्शंस, एडवांस थोड़े लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, ऊप्स क्या रहता है वो ब्रीफ में देखेंगे, मैप फिल्टर रिड्यूस, नंपाई पांडास, डेटा विजुअलाइजेशन, टेस्टिंग, स्टैटिस्टिकल एमएल, मैटप्लॉटलिब, वेब स्क्रैपिंग। समबडी वाज आस्किंग फॉर द सिलेबस, सो दिस इज नथिंग बट अवर सिलेबस, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। क्लियर? ओके, सो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या रहता है ये देखा है हमने, राइट? इंग्लिश लैंग्वेज वैसे कंप्यूटर, अगेन इट इज अ जनरल पर्पस, उसमें भी अलग अलग टाइप है। जनरल पर्पस मतलब सी ए, सी प्लस प्लस, पाइथन, हर जगह यूज होता है, सो इट इज जनरल पर्पस। स्पेसिफिक HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप मतलब वेबसाइट वगैरह डिजाइन करते वक्त मार्किंग करना पड़ता है वेब पेज पे, टाइटल क्या है, हेडिंग क्या है। एग्जाम्पल, ओपन NMD का साइट ओपन कीजिए, हमें यूज कर वेब स्क्रैपिंग में। ओके, सो ये वेब पेज है, इसमें से ये क्या है, लोगो, ये क्या है, मेन्यू, क्या है, टाइटल, ये क्या है, कुछ कंपनी का पैराग्राफ, ये मुझे समझ में आ रहा है, बट ये प्रोग्राम को हमें बताना है, तो इसलिए हमें HTML लैंग्वेज यूज करना है। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करने के बाद आपको ये प्रोग्रामिंग विंडो ओपन हो जाएगा HTML का। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, ये देखिए, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए ये हेल्प कर देता है। ओके, देयर इज अ लैग, आपको H1 इज नथिंग बट हेडिंग, हेडिंग क्या है, वेलकम टू NMT, और ये सब कुछ आपको क्या दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट HTML, ये सारे टेक्स्ट। ऐसे आगे जाके पैराग्राफ सिलेक्ट करोगे तो पैराग्राफ गया कहीं, तो ये देखिए कुछ लोगो एम्बेड किया है, लोगो, साइट लोगो, राइट? प्रोग्राम को बताना है कि आपने क्या क्या डिजाइन किया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके कोई वेब स्क्रैपिंग सीखेंगे, वेब स्क्रैपिंग में हम दूसरों के वेबसाइट से ये डेटा कॉपी कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली। आईएल में स्कोर दिख रहा है, तो स्कोर हम कैप्चर कर सकते हैं रियल टाइम में बाय यूजिंग पाइथन, अलग-अलग एप्लीकेशन, दिस इज वन ऑफ द वे। वैसे सीएसएस आपने सुना होगा, स्टाइल शीट लैंग्वेज, सीएसएस में कोडिंग होता है, अलग-अलग डिजाइन देखते हो आप, इमेजेस देखते हो फैंसी, दोज आर नथिंग बट सीएसएस में वो इमेजेस बनाया जाता है फोटोशॉप, राइट? सो दैट इज नथिंग बट सीएसएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज होते हैं XML, JSON वगैरह। कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपको आपके कंप्यूटर का सेटिंग करना है, ब्राइटनेस इतना रखो, फ़ॉन्ट साइज इतना रखो, कलर कोडिंग इतना रखो, कलर का थीम ये रखो,
मैन्युअली मैं कर सकता हूँ जाके, सेटिंग में गया थी प्रोग्रामेटिकली करना है। देखिए ये थीम दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रोग्राम लिखे करना है, ऑटोमेशन करना है मुझे। देखिए ये को सब कुछ ऑटोमेट करना है। सो आई यूज XML करके एक फाइल रहता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो वो फाइल में कोडिंग करके आई कैन अचीव दिस। ओके क्लियर एवरीवन? सो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबको ऑटोमेट करना है। फ्रंट एंड है, दिस इज नथिंग बट फ्रंट एंड, हमने सीखा था राइट, फ्रंट एंड बैक एंड। तो ये जो स्क्रीन दिख रहा है ये क्या है? फ्रंट एंड। और बैक एंड प्रोग्रामिंग एक्चुअल आपको अभी नहीं दिखेगा क्योंकि आप फ्रंट एंड पे हो। इफ एनीवन नोज BIOS, BIOS एक स्क्रीन रहता है ब्लू कलर का, वो आप मॉडिफाई कर सकते हो। और डिफरेंट वेरिएबल्स, एनवायरमेंट वेरिएबल्स क्या रहते हैं? हाँ, सो @ एक ENV, ओके, और टाइम और पाथ, पाथ करके है, ओके, इट्स नॉट देयर। TI1, ये जो मैं कोड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या है? CMD, कमांड प्रॉम्प्ट। इससे मैं बैक एंड का कोड एक्सेस कर सकता हूँ, समझ में आया ना? फ्रंट एंड, बैक एंड, प्रोग्राम, अलग अलग टाइप है। क्लियर एवरीवन? तो ये प्रोग्रामिंग के कई एग्जांपल है, स्क्रिप्टिंग है, MySQL, Mongo, MySQL आप सीखोगे ना, वो क्या है? क्वेरी लैंग्वेज है, नथिंग बट अ प्रोग्रामिंग का एक टाइप है, राइट? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? बाय द वे स्क्रीन शेयर है ना? यस सो लेट्स मूव ऑन। चलो नेक्स्ट वन इज पाइथन क्यों सीखना है, व्हाई पाइथन? क्योंकि ये तो पहले तो ओपन सोर्स है, मतलब फ्री है एंड ओपन सोर्स, डायरेक्टली डाउनलोड आप कर सकते हो। अगेन इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लो लेवल, आपने कभी 1010 बाइनरी कोड वगैरह लिखा है, और बाइनरी में जो कोडिंग होता है दैट इज लो लेवल। हाई लेवल मतलब पाइथन, जावा, हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके ह्यूमन को समझ में आता है वो हाई लेवल, जो मशीन को समझ में आता है वो लो लेवल। ओके डायनामिकली टाइप्ड देखेंगे, इजी टू अंडरस्टैंड, आई विल शो यू द प्रोग्राम, आप बताइए इजी टू अंडरस्टैंड है कि नहीं। डीबगिंग, हमें कुछ प्रॉब्लम आया तो हम सॉल्व कर सकते हैं। कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, यस, आप ऑनलाइन भी रन कर सकते हो। जो आपने अभी इंस्टॉल किया, ये इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं थी, गूगल कोलैब, ओके, यू कैन सर्च, और फॉरगेट गूगल कोलैब, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, डायरेक्ट आप वेबसाइट पे कंपाइल कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, गूगल प्ले स्टोर में भी ऐप पाइथन कंपाइलर डालो, डायरेक्टली आप कर सकते हो। देखिए पाइथन का एक कोड है, समथिंग कॉल्ड प्रिंट, ट्राई प्रोग्राम, रन, आउटपुट आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना? ये देखिए, ट्राई, वेलकम, वेलकम टू पाइथन क्लास। ये क्या करना है मुझे? प्रिंट करना है, मैंने ये वही लिखा, प्रिंट क्या, ये कोट वगैरह क्या है वो बाद में समझेगा आपको, रन हो गया। So I don't even have to install. Easy to understand. Again, ये हमने देखा GUI, ये जो आप देख रहे हो graphical है, ये बहुत जगह पे use होता है। 1.30, 1,00,000 से भी ज़्यादा उसके packages है। Automation, networking, web framework, GUI, app building, सब जगह पे आप use कर सकते हो। Current version 3.12 है, सब version 3.12.5 वगैरह आपने कुछ install किया होगा, right? क्लियर अप टू दिस पॉइंट? नेक्स्ट ड्रॉबैक्स क्या है पाइथन के? परफॉर्मेंस वाइज उतना इफिशिएंट नहीं है, आपने देखा ही होगा कि ओपन करने में 5 मिनट लग रहा है, राइट? नॉट इफिशिएंट। अगेन मेमोरी मैनेजमेंट का कुछ इश्यू है,
memory management cannot be handled by user. So ये आपको प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे. इन शॉर्ट आपको बताना है कि इफ यू क्रिएट समथिंग इन पाइथन आप डिलीट नहीं कर सकते. देर इज नो ऑप्शन कॉल्ड डिलीट. देर इज समथिंग आपको बाद में समझ में आएगा. बट इफ यू आर यूज्ड सी सी प्लस प्लस में किया है मैलॉक एलॉक नाम के कुछ फंक्शन रहता है. सो दैट इज नथिंग बट मेमोरी मैनेजमेंट. मैलॉक फंक्शन पाइथन में अवेलेबल नहीं है. सी में अवेलेबल है जहां पे आप जाके डिलीट भी कर सकते हो. ओके दैट इज नॉट अवेलेबल. हम एक्चुअल देखेंगे इसको बाद में. इंस्टॉलेशन के लिए आपने रेफर किया है आईडीज. देयर इज समथिंग कॉल्ड पाइचार्म एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक. ओके और यूआई जुपिटर नोटबुक कैसा दिखता है हमने क्विकली आपको दिखाना है. तो होम टैब रहता है. होम इंडिविजुअल प्रोग्राम कर दो. यू कैन सी डिफरेंट ऑप्शन. ये कट कॉपी रन करना है तो ये की है यहाँ पे राइट. दिस इज समथिंग कॉल्ड कोड. और इसमें यहाँ और एक शॉर्टकट है. नहीं तो फ्यू शॉर्टकट आई यूज एस्केप करके इफ यू प्रेस बी नया सेल ऐड होता है. ए प्रेस करोगे तो ऊपर ऐड होता है. इंपॉर्टेंट शॉर्टकट शिफ्ट इंटर है. शिफ्ट से वो रन होता है सेल. इफ आई राइट प्रिंट कोलन हेलो वर्ल्ड शिफ्ट इंटर रन हो जाए. और एल्स यू कैन प्रेस दिस आइकन हियर रन. ओके क्लियर. वेरी बेसिक. नया सेल ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो ऊपर नीचे. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद एक्चुअल टॉपिक वेरिएबल एंड रिजर्व वर्ड्स. सो व्हाट आर वेरिएबल्स. ओके या यू कैन स्टोर द वैल्यूज. और वेरिएबल एक समझ लीजिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मेमोरी और लोकेशन जहां पे आप कुछ स्टोर करके रख सकते हो. ओके और एल्स मान लीजिए जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल. जूम कर सकते हैं क्या इसको. ओके दिख रहा है ऑनलाइन. आपको एक प्रोग्राम लिखना है और यू वांट टू टेक एग्जाम्पल. आपके क्लास में कितने लोग हैं उन सबको एक जगह पे रखना है डीए 11. सो मान लीजिए मैंने प्रिंट डीए 11 किया तो डीए 11 में कितने लोग हैं उन सब का डेटा मुझे आना चाहिए. ये फंक्शनैलिटी अचीव करना है मुझे प्रोग्रामिंग के थ्रू. ओके सो हाउ कैन आई डू दैट. एक काम कर सकता हूँ. एक आई विल टेक सम स्पेस. एक स्पेस अलोकेट करता हूँ और इस स्पेस के अंदर अलग अलग नाम लिखता हूँ. ओके और इस स्पेस और ये जो डब्बा है इसको मैं नाम दे सकता हूँ कॉल्ड DA 11. और मैं मान लीजिए मैंने प्रिंट ऐसा लिखा प्रिंट DA 11 तो ये क्या करेगा. ये सारे नेम्स प्रिंट करेगा राइट. कैन आई अचीव समथिंग लाइक दिस. तो यही प्रोग्रामेटिकली करने के लिए ये DA 11 को बोला जाता है वेरिएबल. ओके ये हो जाएगा वेरिएबल. वेरिएबल का काम क्या रहता है. टू स्टोर द इंफॉर्मेशन. जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करना. ओके इन अपने केस में हमने यहाँ पे नेम्स स्टोर किया स्टूडेंट के नेम्स. ओके तो पाइथन में उसे कैसे अचीव करना है और क्यों स्टोर करना है कैसे करना है. सिंपल है. DA 11 लिखिए इज इक्वल टू नेम लिखिए अमित जो भी अमित आकाश. आई कैन नॉट राइट लाइक दिस बट ठीक है. फॉर योर सिंपलिसिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. कैन आई से समथिंग लाइक दिस आकाश. ये देखिए अमित आकाश है मेरे DA 11 में. सॉरी DA हो गया सिर्फ DA 11 राइट. DA 11 अमित आकाश. और मैं लिखू प्रिंट DA 11 इट शुड प्रिंट द नेम्स. क्या क्लियर.
अभी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि आपको हो भी जाएगा. यस नो एनीवन हैज एनी बैकग्राउंड? यस यस. ठीक है, नॉट इशू. मिल जाएंगे टेबल और लिस्ट क्या है. ठीक है, वेरिएबल क्लियर? वेरिएबल्स मतलब समझे कि एक बॉक्स है जिसमें आपको स्टोर करना है डेटा. स्टोर करने के लिए लोकेशन, और ये डेटा क्या होगा फिर? व्हाट इज अ डेटा? आपको क्या स्टोर करना है? यस, क्या आपको स्टोर करना है? व्हाट यू वांट टू स्टोर? डेटा. आप लोग डेटा एनालिस्ट हो, राइट? तो डेटा एनालिस्ट में आपको क्या मिलेगा स्टार्ट में? क्या मिलेगा? किसी कंपनी का रिलेटेड डेटा मिलेगा. यस. और यस, डेटा ऐसा दिखेगा, राइट? नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, ये सब कुछ आपको स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं. अभी फ्रंट एंड में तो एक्सेल ने स्टोर किया है, बैक एंड में ये भी कुछ वेरिएबल ही यूज कर रहा है, बट फ्रंट एंड में यू कैन सी. सो सेम वे मान लीजिए मुझे ग्रेड, ये सब कुछ स्टोर करना इज इक्वल टू ऐसा कुछ प्रोग्राम. ग्रेड इज इक्वल टू जो भी इंफॉर्मेशन है, राइट? व्हाट योर इंफॉर्मेशन इज देयर. अंडरस्टूड? सो इन शॉर्ट, डेटा स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स यूज करते हैं. और डेटा में क्या क्या आएगा फिर? यही पे देख सकते हो, ये नेम्स आ सकते हैं, डिपार्टमेंट के नेम आ सकते हैं, कुछ नंबर भी आ सकता है. देखिए यहाँ पे जीरो वगैरह आ सकता है, टेक्स्ट आ सकता है. अगेन दिस नंबर, ये यहाँ पे डेट है, जॉइन डेट परमिट नहीं किया, डेट आ सकता है, राइट? तो ये सब के सब पता चलेगा कि किस में डेट है, किस में टेक्स्ट है. तो टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग हमारे डेटा टाइप्स. ओके, व्हाट आर डेटा टाइप्स? आर नथिंग बट द और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जैक्ट डेटा. जो डेटा आपने स्टोर किया है उसको आइडेंटिफाई करना है, वेदर इट इज नंबर, टेक्स्ट, डेट, डेट टाइम. ओके, तो इसमें भी अलग अलग ऑप्शन है. तो वो कहाँ पे है? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टू एवरीथिंग. वन थिंग विच इज इम्पोर्टेंट टू हियर, अलग अलग डेटा टाइप्स है. बट इज माइक इज ऑन. ओके, ठीक है, ये अलग डेटा है. देखिए नंबर्स है, सीक्वेंस में स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग मतलब नाम. आप जो टेक्स्ट बोल रहे थे ना, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग. नंबर जो बोल रहे थे उसको इंटीजर बोला जाता है, फ्लोट भी बोला जाता है इफ इट इज इन डेसिमल नंबर. समथिंग रिलेटेड टू दिस इज अवेलेबल. तो वेरिएबल है, वेरिएबल में अंदर हम स्टोर करने वाले डेटा, उस डेटा का अलग अलग टाइप भी है. सो नाउ जनरली अभी क्या होता है ना, पाइथन में हमें बताना नहीं पड़ता वेरिएबल में. नहीं, ये आपको मिलेगा मैडम, इट इज देयर इन द ड्राइव. जो हमने देखा था इंटीजर डायनामिकली टाइप्ड, राइट? जो हमने एक वर्ड देखा डायनामिकली टाइप्ड एंड स्टैटिकली टाइप्ड. पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ऐसे बोलते हैं. डायनामिकली टाइप मतलब एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर मैंने नंबर स्टोर किया है कि स्ट्रिंग स्टोर किया है, ये मुझे पाइथन को बताना नहीं पड़ता एक्सप्लिसिटली. बट जावा में ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट प्रोग्राम. मैं एक वेरिएबल लेता हूँ कॉल्ड मैसेज. मैसेज में मैं स्टोर कर सकता हूँ हेलो ऑल. यहाँ पे मैंने कुछ स्टोर किया है, राइट? टेक्स्ट है, राइट? एंड आई एम स्टोरिंग इट इन टू मैसेज नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने हेलो ऑल करके स्टोर किया है. रन कर देता हूँ मैं. रन हो गया,
कैसे यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा है आपको, देखिए इफ आई रीरन अगेन, रन कैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ राइट, ये सेल हुआ है कि यहाँ पे देखिए नहीं, क्यों, क्योंकि ये रन नंबर नहीं है। छोटी छोटी चीजें बाद में आपको समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट ओके। एंड मुझे अभी मैसेज प्रिंट करना है तो क्या करूंगा, प्रिंट और ये लिखो यहाँ पे जो लिखा है आपने, कॉपी पेस्ट और रन करो इस सेल को। कैसे रन करते हैं, प्रेस, तो ये क्या हो गया, हेलो ऑल आ गया राइट। बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या मैसेज में क्या है, व्हाट इफ आई चेंज टू नंबर ओके। मैं रन करता हूं, बाय द वे मैंने मैसेज मॉडिफाई किया और चेंज नहीं कर रहा हूं, इसीलिए यहाँ पे डॉट आ ओके। इफ आई रीरन अगेन, मैंने ये रन सेल किया ऊपर तो 20 है, नीचे तो नहीं आ रहा है, सॉरी नीचे, यस ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सेल रन नहीं हुआ है अभी। छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व, बाद में हम जब रन करेंगे आई विल शो यू द सीक्वेंस। चलो अभी मैसेज में क्या है मुझे 23, प्रिंट में प्रिंट कर देता हूं 23। सो हमें यहाँ पे डायरेक्टली आउटपुट आ रहा है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, कॉटलिन, हमें बताना पड़ता है कि मैसेज में क्या है, कैसे बताना है, इससे पहले लिखना है INT मैसेज, ऐसे लिखना है INT लिखना है मैसेज, फिर मैसेज में INT भरना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ और भर दिया टेक्स्ट वगैरह, तो इट विल शो एरर, इट विल नॉट रन। ये C++ जावा सब जगह पे रन चलता है, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है प्रोग्राम को, भाई मैं ये स्टोर करने वाला हूं और जाके स्टोर करो। ये हो गया स्टैटिकली टाइप्ड, इसको बोलते हैं स्टैटिकली, डायनामिकली मतलब पाइथन कैन आइडेंटिफाई कि आप क्या स्टोर कर रहे हो ओके, यही डिफरेंस है। दिस इज व्हाई पाइथन इज इजी, इसमें इतना कुछ झंझट नहीं है, ये उसको डिक्लेयर करो, ये करो, वो करो, ऐसा कुछ है ना। इसका एडवांटेज ये है जो मैं बोल रहा था ना, मैलॉक, मैलॉक नाम का एक फंक्शन रहता है, आप मैसेज ऐसा लिखोगे तो मैसेज के अंदर जो अभी आपने है, इन दिस केस नंबर चाहिए क्योंकि इंटीजर है, ये ऐसा कोड आप लिखोगे मैलॉक, तो मैसेज में ब्लैंक स्टोर हो जाएगा, नल वैल्यू स्टोर हो जाएगा इन जावा सी एंड सी प्लस प्लस। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, पाइथन में मैंने एक बार मैसेज में कुछ लिख दिया, देयर इज नो ऑप्शन टू गो बैक, मैं चेंज नहीं कर सकता और डिलीट नहीं कर सकता, देयर इज नो ऑप्शन। हाँ गुड क्वेश्चन, रॉन्ग हुआ तो मुझे 23 नहीं चाहिए, मुझे 44 चाहिए, यस तो टेंशन मत लिखो, सेम लिखो 44 क्या चाहिए था, 44 रन करो, हो जाएगा 44 राइट, इजी टू अंडरस्टैंड 44 सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रिपीटेशन इज अलाउड ओके। क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड हाउ वी आर गोइंग अहेड ओके नेक्स्ट। बट थोड़े ऐसा नहीं कि सब कुछ अलाउड है, सम रूल्स आर देयर, ये जो आपने मैसेज लिखा है इसका लिखने का कई तरीका है। आई कैन नॉट स्टार्ट विद डॉलर, मतलब ऐसा डॉलर मैसेज नहीं कर सकता मैं, हैश मैसेज नहीं कर सकता, डॉलर मैसेज नहीं कर सकता ओके। अगेन स्पेशल कैरेक्टर्स है तो उसका एक छोटा सा लिस्ट है हमारे पास, यस ये रूल्स है, आप ऐसा नहीं लिख सकते, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का जो नाम है, जो आप नाम दे रहे हो राइट, जैसे हमने मैसेज लिखा DA11 लिखा, 11 DA लिखता तो नॉट पॉसिबल राइट, DA11 पॉसिबल, इन बिटवीन नंबर पॉसिबल, डॉलर सिंबल नॉट अलाउड, डॉलर कहीं पे भी आप यूज नहीं कर सकते, स्टार्ट एंड इन बिटवीन नो। स्पेशल कैरेक्टर मतलब अंडरस्कोर यूज कर सकते क्या, यस। DEF नाम का एक
वर्ड है वो यूज कर सकते हो क्या? नहीं. इफ नहीं, व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि आगे यूज करने वाले इफ. ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? यस. Somebody, किसी को कुछ क्वेश्चन है? और बहुत ज्यादा हो रहा है. नो राइट. मैं एक्सटेंड है, हम एक्सटेंड कर सकते लेक्चर डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा सिलेबस कवर हो रहा है उसके हिसाब से. ओके गुड. समझ में आ रहा है अभी तक क्या हो रहा है? हाउ वी आर स्टार्टिंग, फ्लो क्या है, ये समझ में आया सबको? स्लोली हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वेरिएबल क्यों चाहिए, वेरिएबल के अंदर क्या क्या स्टोर करना है. ओके ओके एक्सलेंट. सो रिजर्व, ये छोटे छोटे यू कैन ट्राई 1 to 3 टोटल इज इक्वल टू 23 लगा के आप प्रिंट करके देख लीजिए, इट मे नॉट वर्क. ओके, और ये def और if, ये जो है ना इनको बोलते हैं रिजर्व वर्ड. रिजर्व वर्ड और ऐसे कई वर्ड्स है जो आप पाइथन में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनका मतलब कुछ अलग है. समबडी स्पीकर इज ऑन. ओके, सो लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड इज यहाँ पे. ओके, लेट मी ओपन दिस डे टू मास्टर फाइल क्लास वर्क है. ओके, ये ऐसे ओपन हो रहा है. बाय द वे 3+4 डायरेक्टली भी यूज हो सकता है, नॉट अ बिग डील. हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड प्रिंट आपको करना है तो. ओके, मल्टीपल लाइन लिखना है तो आपको ऐसे भी लिख सकते हो, बट ऑब्जर्व क्या हो रहा है, कुछ एरर बोल रहा है. ओके, तो मल्टीपल लाइन लिखना है तो सिंगल के, ओके बाय द वे सिंगल के जगह डबल और ट्रिपल, डबल और ट्रिपल, एक्चुअली ट्रिपल सिंगल और ट्रिपल डबल, एनीथिंग. ओके, ये स्ट्रिंग में आगे जाके पढ़ेंगे हम, बट एग्जांपल देखिए, यू कैन रन. जो हम वेरिएबल देख रहे थे, सी दिस इज अ वेरिएबल, तो मैंने यहाँ क्या किया, नंबर वन नंबर टू सम और एक वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू और प्रिंट सम किया. इफ आई रन दिस प्रोग्राम, ये हो गया 60, राइट? तो इसका मेमोरी में कैसा होता है, ऐसे तो बॉक्स, आप जब ये लाइन लिखोगे तो पाइथन क्या करेगा, एक बॉक्स बनाएगा, उसको एक नाम देगा कॉल्ड नंबर वन. ओके, एंड इसके अंदर वो स्टोर करेगा 12. देन इट विल क्रिएट वन मोर बॉक्स, उसका नाम क्या रहेगा, नंबर टू वेरिएबल, और इसमें स्टोर होगा 4. देन इट विल सम लिखा है, बट सम ऐसा कुछ है नहीं, तो इज इक्वल टू ये क्या करेगा, और एक वेरिएबल बनाएगा कॉल्ड सम, और इसके अंदर ये दोनों का मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा. 1+2 क्या है, 16. और ये आपने यहाँ पे प्रिंट किया है, प्रिंट सम किया है क्या, और उसके अंदर क्या है, 16. तो यहाँ पे आपको आंसर आ रहा है, राइट? प्रिंट सम किया और आंसर आपको आ रहा है. ओके, सो आपने डेटा स्टोर किया एंड देन यू यूज्ड दैट डेटा टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, जो भी आपको करना है आगे जाके वो आप कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड? और ये प्रिंट करके आपको आंसर दिया. बाय द वे, ये जो 12+4 है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 12+4 = 16. इतना सब कुछ लिखने की क्या जरूरत है?
वेरिएबल डिक्लेयर करना और एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना एंड देन प्रिंट करना वाई, आगे जाके हमें पता चलना चाहिए ना हमें क्या किया है। अगर डायरी यस ऑलमोस्ट हमें वही वेरिएबल यूज करना होता है विसर रेफरेंस। यस सो एब्सोल्युटली राइट व्हाट दिस पीपल आर सेइंग इज देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टैटिक एंड डायनामिकली टाइप्ड स्टैटिक टाइप देखा है। ये क्या हो गया मेरा एक्चुअल प्रोग्राम राइट 12 प्लस 4 जो मैंने लिखा है ये मेरा एक्चुअल प्रोग्राम हो गया और यहाँ पे मेरा एक्चुअल प्रोग्राम कहाँ पे है और लॉजिक कहाँ पे है। ये लॉजिक स्टेप है, ये लॉजिक स्टेप है, इसमें सिर्फ लॉजिक है, यहाँ पे भी लॉजिक है। मान लीजिए कल आपको रिक्वायरमेंट है 10 प्लस 4 करने के लिए तो व्हाट यू विल डू, आपको डायरेक्टली कोड एक्चुअल कोड जाके एडिट करना पड़ेगा विच इज 10 प्लस 4। ये मे बी सर्वर पे हो सकता है, एप्लीकेशन पे हो सकता है, ओके इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। रियल वर्ल्ड में क्या होता है लॉजिक अलग लिखा जाता है और इनपुट अलग लिखा जाता है और आउटपुट अलग लिखा जाता है। कैसे, लेट मी ब्रेक इट डाउन, तो ये आई विल कीप इट एज इट इज, ओके। तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे इसको एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में ऐसा लिखा जाता है। ये कॉपी, इसको इनपुट स्टेप, ये इनपुट है मेरा, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, ओके देन लॉजिक, ये लॉजिक को और एक जगह पे लिखता हूं लॉजिक एंड देन एक आउटपुट रहता है। तो रियल वर्ल्ड में ये तीन स्टेप्स फॉलो होते हैं, ओके और क्यों ये स्टेप्स, क्योंकि रियल वर्ल्ड में कोई आपको 1+2 नहीं करने के लिए बोले, इट विल हैव सम कॉम्प्लेक्स लॉजिक, बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो सकता है। मान लीजिए उनको 100 प्रोडक्ट है, 100 में से उनको निकालना है कि किस प्रोडक्ट का ग्रोथ और किस प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है, सिर्फ लॉस मेकिंग नहीं पिछले 10 साल से लॉस मेकिंग है, ये इसका लॉजिक आपको लिखना है, ओके अंडरस्टूड। मान लीजिए मैं आपको 10 प्रोडक्ट दूंगा और उस 10 में से मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो पिछले 10 साल से लॉस मेकिंग है, तो उसमें ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं वो सिर्फ 2 साल लॉस मेकिंग है, ऐसे हो सकते हैं वो प्रॉफिट मेकिंग है, ऐसे हो सकते हैं कि 2 साल है 2 नहीं है, ऐसे हो सकते कि 9 है 10 नहीं है। सो ये सब कुछ आपको लॉजिक में लिखना है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वो एग्जैक्टली वो 10 प्रोडक्ट के लिए ये पूरा लॉजिक लिखा है। व्हाट इफ आई चेंज द प्रोडक्ट, मैं बोलूंगा कि इस बार 10 लिया है ना, नेक्स्ट टाइम 25 में से निकाल के दिखाओ मुझे, आई कैन गिव एनीथिंग, क्योंकि इनपुट तो कॉन्स्टेंट नहीं है ना, इनपुट डिपेंड करता है यूजर पे, मुझे क्या लिखना है ये मैं डिसाइड करूंगा ना कि प्रोग्रामर डिसाइड करेगा इनपुट। तो इसीलिए यूजर स्पेसिफिक इनपुट होना चाहिए, मतलब ऐसा इनपुट होना चाहिए कि आपको वो चेंजेबल होना चाहिए जो यूजर को चाहिए वो। आपके हाथ में क्या है एज अ प्रोग्रामर, लॉजिक, तो आप लॉजिक का स्टेप लिखो, इनपुट में आप ध्यान मत दो, ओके और आउटपुट आपका काम है क्या, फ्रंट एंड डिजाइन करने वाला कौन है, फ्रंट एंड डेवलपर, तो आपका काम है कि आउटपुट देना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है ऑन स्क्रीन वो अलग लॉजिक है। तो आपको ये सब कुछ एक ही स्टेप में कंबाइन करोगे तो कैसे चलेगा, फ्रंट एंड में मैंने डायरेक्टली लॉजिक लिखूंगा तो चलेगा, हर टाइम मुझे फ्रंट एंड में जाके चेंज करना पड़ेगा, ना मुझे CSS आता है, ना मुझे जावास्क्रिप्ट आता है, ना HTML आता है, विल दैट मेक एनी सेंस। सो ऑलवेज फॉलो दिस अप्रोच, इनपुट लॉजिक आउटपुट और तीनों को सेपरेट रखने का ट्राई करो। आगे जाके आप मर्ज भी कर सकते हो, नॉट ए इशू, क्योंकि हम डेटा एनालिस्ट हैं, वी आर नॉट अ हार्डकोर डेवलपर, ओके तो हम आगे जाके मर्ज करेंगे, बट दैट नीड सम एक्सपर्टीज, आप एक सर्टन लेवल ऑफ एक्सपर्ट बनने के बाद आप तीनों को कंबाइन करके एक्चुअल भी काम कर सकते हो। बट एज अ बिगिनर
आप ये अप्रोच फॉलो करो, कुछ भी क्वेश्चन आए इनपुट सेपरेट रखना है, लॉजिक सेपरेट, आउटपुट सेपरेट, क्लियर। यहां से आगे जितना भी आप प्रोग्राम करोगे, कोडिंग करोगे, ये तीन अप्रोच फॉलो होना चाहिए। ओके, सो आज का आपका होमवर्क है, जैसे हमने एडिशन का प्रोग्राम लिखा है, यू नीड टू डू इट फॉर मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और जो भी डिविजन, देन स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ओके, तो ऐसे लिखना है कि कल जाके मैं बोलूंगा, नंबर दे दूंगा 9, तो आपको उसको क्यूब एंड क्यूब रूट आना चाहिए, स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट आना चाहिए। ओके, क्लियर। ये और भी इतना भी ऑटोमेटेड नहीं है, अभी भी मैं जाके इनपुट चेंज कर रहा हूँ, राइट, ये देखिए इनपुट चेंज कर रहा हूँ, बट ये भी डायनामिक कर सकते हैं, वो और थोड़ा आगे जाके करेंगे, बट करेंटली यू राइट ओनली दिस थिंग्स, क्लियर। देन वन रिजर्व वर्ड है, वहां पे रिजर्व वर्ड बाय द वेरिएबल्स के रूल्स हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, एज, नेम, ये देखिए, ओके, डायरेक्टली नेम हमने लिखा है। हाँ, दिस वन इंपॉर्टेंट अबाउट वेरिएबल इज ये एक्चुअल थोड़ा सेल्स का मतलब क्या है, 100, ये सेल्स, इसमें मीनिंग कुछ डिफरेंस है क्या, नहीं, इसमें कुछ डिफरेंस है क्या, इसमें कुछ डिफरेंस है क्या, ओके, बट पाइथन क्या है, इट्स वन ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, मीनिंग से यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है, आपने वेरिएबल का नाम लिखा है, ओके, और यहाँ पे 100 लिखा है, तो यहाँ पे 100, तो इफ आई स्टार्ट प्रिंट, मैं प्रिंट करते जा रहा हूँ, तो आपको चेंजेस ऑब्जर्व होंगे, देखिए ये सेल्स प्रिंट करता हूँ, तो क्या बोल रहा है, क्यों, ये पुराना, ये नंबर है जो मैं पुराने आए, मतलब जब मैंने ये ओपन करके रन किया था तभी का नंबर है, लेटेस्ट नंबर क्या है, 7, तो ये नंबर क्या आना चाहिए, 8 वगैरह। नाउ इफ आई रन, इसको 9 आ जाएगा, ये आउटपुट आ गया, राइट, एंड इफ आई टेक दिस सेल्स, मीनिंग सेम है बट आंसर अलग अलग आ रहे हैं, राइट, Why? Because Python is case sensitive. Case sensitive मतलब capital letter अलग है, small letter अलग है. Python के लिए, if you write something like this and this is different and this is also different. क्यों? क्योंकि यहाँ पे a small है, p small है, i and l capital है. कैपिटल केस सेंसिटिव, जैसा आपने लिखा है एग्जैक्टली पाइथन उसको वही चाहिए, इफ यू डू एनीथिंग स्मॉल कैपिटल उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। ओके, केस सेंसिटिव प्रॉपर्टी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू आर लुकिंग फॉर इज रिजर्व वर्ड, यहाँ पे रिजर्व का एक लिस्ट है, ये वर्ड एज अ वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते, ये सारे देयर इज आई गेस 32 या ज्यादा ही है, डिपेंड करता है आपको कौन सा वर्जन है पाइथन के, पाइथन के वर्जन के ऊपर भी वो चेंज करते एक दो वर्ड, देखिए एल्स, इम्पोर्ट, पास, रिटर्न, लैम्डा, कंटिन्यू एंड ट्रू, ये हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनका मीनिंग अलग है, पाइथन अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। ये देखिए यहाँ पे आप लिखोगे विथ, तो पाइथन में देयर इज समथिंग कॉल्ड विथ का एक फंक्शन है, वो कुछ काम अलग करता है, ओके, और ट्रू, ये देखिए ट्रू, पाइथन में ट्रू का मतलब अलग है, ओके, क्या मतलब है वो हम देखेंगे, बट करंटली इतना समझे कि इन सबको आपको यूज नहीं करना है, ये सारे वर्ड्स हम प्रोग्राम में यूज करेंगे आगे जाके, ओके, सो दीज वर्ड्स यू मे नॉट, क्लियर।
कुछ अलग अलग जैसे हमने एक वेरिएबल देखा, वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको, तो उसके भी अलग अलग टाइप है दैट विल कवर टुमारो। आई डोंट वांट टू ओवरलोड विद द इंफॉर्मेशन टुडे, बट केस सेंसिटिव हमने देखा, राइट? डिफरेंस टू असाइन हम कल देखेंगे, डोंट वरी। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ये हमने देखा, मतलब पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है एंड देन एग्जीक्यूट करना पड़ता है कि एरर जो हमें आया था। ओके, वेरिएबल्स क्या रहते हैं वो देखा हमने, रिजर्व वर्ड देखा, क्लियर? आई डोंट वांट टू, एक ही दिन में सब कुछ ओवरलोड नहीं चाहिए, सो विल स्लोली मूव फॉरवर्ड। कल हम देखेंगे और आगे जाके असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या रहते हैं, डिफरेंट वेज में हम कैसे असाइन कर सकते हैं। ओके, क्लियर? ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ऑल दोस थिंग्स। ऑनलाइन एवरीबॉडी।